आलू हरी प्याज की सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। ये फटाफट बनके तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं हींग। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली, इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई लहसुन। इसको हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जिसको हमने लंबा इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। इसको भी हम 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन का यूज किया है। यहाँ हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जिसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, इसी के साथ इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हमने इसमें डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों को। यहाँ मैंने मसाले डालने के बाद इसको 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये स्प्रिंग अनियन, उसका ग्रीन वाला पार्ट जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। बीच में हम इसको 1-2 बार चला देंगे ताकि ये जले ना। यहाँ हमारी सब्जी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमने बीच में से 1-2 बार चला दिया था, हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाया है। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा आलू जो है वो अच्छे से गल गया है या नहीं। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम इसकी गैस जो है बंद कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ हमने सब्जी को सर्व कर लिया है। ये हमारी आलू प्याज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।